गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग बिकॉज मेरे कुछ करीबी मित्र आए हैं मेरे घर पे रहने के लिए। इसको तो आप जानते ही हो एंड एक दूसरा भी नहा रहा है। सो टोटल 2-3 दिन का ट्रिप होने वाला है एंड काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। अभी हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, आगे देखते रहिए। और दोस्तों, हम आ चुके हैं कसौली, सबसे ऊपर मंकी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। बढ़िया धूप निकली हुई है, देखते हैं। ठंड भी है थोड़ी थोड़ी। If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. तो चर्च घूमने आए हैं, यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, बढ़िया फोटोज आ रही हैं। ऐसे ही चल रहा है, अब तो ठंड भी बढ़ने लग गई है, धूप जा रही है नीचे जैसे जैसे, वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। बट आप देख सकते हो पीछे सनसेट होने वाला है, काफ़ी सही हो रहा है मौसम। और अब हम लोग मंकी पॉइंट जाके आ चुके हैं। फ़ोन वगैरह हमने रखवा दिया था तो इसलिए वहाँ का कोई शूटिंग हो नहीं पाया, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है। जाओ बिना फ़ोन एंड बिना गैजेट्स के एक्सपीरियंस करो एंड मज़ा आएगा। इन लोगों को भी बहुत मज़ा आया है। अब चलते हैं नीचे मॉल रोड की तरफ, कुछ फोटोज खिंचाते हैं फिर वापस घर निकलेंगे। अभी हम लोग बाहर निकले थे सामान लेने के लिए एंड कल एक्चुअली हमारा शिमला जाने का प्लान है। गाड़ी से जा नहीं सकते हैं इसलिए बस की टाइमिंग हमें चेक करनी थी, तो वही चेक करने के लिए बाहर गए थे। एंड थोड़ा बहुत सामान लेना था यहाँ, इनको स्पेशल अड्डी यहाँ की जो चीज़ें हैं वो खिलानी थी, इसके लिए गुलाब जामुन भी ले लिए हमने। तो वही है, अब वापस घर की तरफ चल रहे हैं एंड खाना बना के थोड़े जल्दी सो जाएंगे, कल देखते क्या रहता है। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह शिमला, अभी तक सनराइज़ हुआ नहीं है। मौसम आप पीछे देख ही सकते हो कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है एंड देखते हैं प्रोबेबली हमें स्नोफॉल मिलता है कि नहीं शिमला में जाके। बिल्कुल रेडी हैं बड़ी बड़ी जैकेट्स पहन के, तो अब चलते हैं शिमला की तरफ। अभी तो हम लोग सिर्फ अपने घर से ऊपर तक ही चढ़ रहे थे और भाई तो पहले ही थक चुके हैं, कह रहे और नहीं हो पाएगा, शिमला में जाके क्या होगा इनका। मौसम काफ़ी सॉलिड हो रहा है इस टाइम पे एंड भीड़ भी थोड़ी बहुत होने लग गई है अब। बट अभी फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस, देखते हैं आगे कैसा रहता है। छुट्टी पे आते हुए काम चलते हुए नाश्ता हो रहा है, एकदम गजब। और ये देखो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये देखो इनसे एक दिन काम नहीं छोड़ा जा रहा, दोनों काम में लगे हुए हैं। पैसा खर्च हो रहा है तो पैसा कमाना भी है। दोस्तों हम जा रहे हैं जाकू टेम्पल, क्लाइंब करते हुए पूरा स्टीप स्लोप है, लेकिन हमारे अरियन भाई हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं एंड देख ही सकते हो आप इनकी हालत, एकदम ही मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसा भी जिम मत करो कि आपसे चला ना जाए, तो ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है। एंड सिर्फ वेट उठाने पे फोकस मत करो, फोकस करो अपनी कम स्टैमिना बिल्ड करने में एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करने में, बहुत ज़रूरी चीज़ है। जाकू टेम्पल में आ चुके हैं एंड काफ़ी अच्छा क्लाइंब रहा है, अब दर्शन करने के लिए इनको भेजा है, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा। Yeah.
दोस्तों हम फिर से आ गए हैं एडवांस स्टडीज, काफ़ी सुंदर जगह है एंड इनको फ़ोटो खिंचवानी भी थी तो इसीलिए आ गए हैं। लास्ट अंदर जाने का शो मिला है, अंदर कैमराज अलाउड नहीं है बट एकदम लास्ट में मिला है, बहुत थक चुके हैं बट चलो कोई नहीं, अभी कवर कर लेते जल्दी से। और अब फाइनली एडवांस स्टडीज़ ख़त्म करके हम निकल रहे हैं। अंदर का टूर बहुत सुंदर था एंड काफ़ी मज़ा आया हमें, काफ़ी अच्छा बना हुआ है एंड फ़ोटोज़ वगैरह भी काफ़ी खिंचवाई हमने, मज़ा आया। अब बस थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, सनसेट देखते हैं एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। और ये हम आ चुके हैं सेडार ओपन कैफ़े, ठंड बहुत ज़्यादा है, बंदर भी बहुत है यहाँ पे एंड हम लोग आए हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है अभी फ़िलहाल तो, एंड पीछे आप देख सकते हो उसका एकदम कैनवस जैसा लग रहा है। ऋषभ भाई भी अभी वीडियो बना के हटे हैं एंड अब पीते हैं अपनी कॉफ़ी, फिर आराम से बस पकड़ते हैं वापस सोलन जाने के लिए एंड चलते हैं फिर। अभी हम बैठ गए हैं बाहर आग लगा के, बॉर्न फायर। भाई बैठा है, अर्जुन भाई तो आज डेड हो चुके हैं एकदम और बस ऐसे ही बैठे हैं, ठंड है, आग सेक रहे हैं। पीछे मेरी बाइक भी खड़ी आ रही है बस। आज है हम लोगों का आखिरी दिन, ये लोग रात में निकल जाएंगे। अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी दो तीन हेरिटेज साइट घूमने के लिए एंड वहाँ जाके थोड़ी धूप सेकेंगे, काम करेंगे ऑफिस का एंड वही है बस, घूमते हैं फिरते हैं, मौज करते हैं। चलो निकलते हैं। उसका नाम है मोहन हेरिटेज पार्क, बहुत सुंदर मंदिर भी है एंड मूर्तिज काफ़ी सुंदर है यहाँ पे भगवान की। अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ ऊपर भी है, वैसे दिखेगा नहीं बट काफ़ी सुंदर। शिव जी की अलग जगह है, माता पार्वती की अलग जगह है, हनुमान जी की नीचे है, बहुत सुंदर एरिया है, काफ़ी पीसफुल भी है। अब जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए, दिखाता हूँ आपको अगर अंदर दिखा पाया तो। सकते हैं मेरे पीछे जो टेंपल है, बहुत सुंदर जगह है, रिच इन हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। सारे के सारे गॉड्स, हर एक सिग्निफिकेंस के हिसाब से उन्होंने हर एक की मूर्ति बना रखी है, हर एक का अलग टेंपल बना रखा है, कंबाइंड फैमिली गॉड्स की भी बना रखी है अंदर, बहुत सुंदर है। अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना तो बहुत ही अच्छी जगह है। मैं खूब ज़रूर कहूँगा कि अगर आप शिमला साइड घूमने आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, विज़िट करें। रास्ता भी अच्छा है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बना रखी है इन्होंने, बिल्कुल आएँ। अगर अपने हेरिटेज के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानना है, अपनी माइथोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लोर करना है तो ये बहुत अच्छी जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, बिल्कुल विज़िट करें। सेम रिएक्शन है अरिहंत और ऋषभ का भी इस प्लेस को लेके। चुके हैं फाइनली वापस घर, सारा पैकिंग सामान हो चुकी है, सब लोग रेडी हैं वापस निकलने के लिए। सो अब ये ट्रिप यहीं पे ख़त्म होती है और ये साल भी ऑलमोस्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे सिंपली फिट। जय हिंद।